हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ समर स्पेशल होममेड मिल्क बादाम आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1/2 लीटर दूध ले लेंगे और इस दूध को हम धीमी आंच पर रखकर धीरे धीरे उबालेंगे। और दूध जब गर्म हो जाएगा, साथ में इसमें 2-4 उबाल और आ जाएगा, तो यह दूध हमारे आइसक्रीम बनने के लिए परफेक्टली रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैं एक स्पून की मदद से अच्छे से दूध को गर्म कर रही हूँ धीमी आंच पर रख कर के। अब एक छोटी सी कटोरी में हम यहाँ पर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे, ये देखिए। और कस्टर्ड पाउडर में हम थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पानी भी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी लम्स इसमें नहीं बनना चाहिए दोस्तों। स्पून की हेल्प से हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रनिंग रहनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा दूध भी यहाँ पे अच्छी तरीके से खोल गया है। और अब इस खोलते हुए दूध में हम अपना कस्टर्ड पाउडर, जो कि पानी डाल के बनाए हुए थे, इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से बड़े स्पून की हेल्प से हम चलाएंगे। इसको कंटिन्यू चलाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छे से घुल जाए और मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने अच्छे से चला दिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी भी डाल देंगे ताकि आइसक्रीम में अच्छी मिठास आए। ये देखिए, चीनी डाल देंगे। चीनी को भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको भी स्पून से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि चीनी घुल जाए पूरे दूध में अच्छी तरीके से। सभी मिक्सचर को एक साथ दूध में ऐड ऑन करने के बाद हम इसको 1-2 और उबाल आने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद गैस बंद करके हम इसको उतार लेंगे। और देखिए, दूध काफ़ी थिक हो गया है। इसकी थिकनेस गाढ़ी होनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए, इस मिक्सचर को हम अब 1-2 कंटेनर में पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने 2 कंटेनर यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें अब हम अपने मिक्सचर को अच्छे से पलट लेंगे। ये देखिए, और यहाँ अब हम दूसरे कंटेनर में भी पलट लेंगे। कंटेनर में मिक्सचर को डालने के बाद अब हम इसमें कुछ काजू बादाम डाल देंगे ताकि टेस्ट और ऐड ऑन हो जाए। यहाँ मैंने बादाम काजू लिया हुआ है। ये देखिए, अब हम इन दोनों कंटेनर में काजू बादाम को भी डाल देंगे, ऊपर से अच्छे से डाल देंगे दोस्तों, ताकि स्वाद बहुत अच्छा आए आइसक्रीम का और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। अच्छे से काजू बादाम डालने के बाद अब हम यहाँ पे कैप लगा देंगे दोनों कंटेनर का। ये देखिए, मैंने कैप लिया हुआ है और दोनों कंटेनर के ऊपर मैं लगा दे रही हूँ दोस्तों। अच्छे से एयर टाइट कंटेनर ही हम यूज़ करेंगे आइसक्रीम जमाने के लिए दोस्तों। और अब इन दोनों कंटेनर को मैं फ्रिज में डाल दूँगी। 5 से 6 घंटे के बाद मैं फ्रिज में से जब निकाल करके देखती हूँ तो हमारे आइसक्रीम बहुत अच्छे से फ्रीज हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल बाहर जैसे मार्केट में मिलती है आइसक्रीम, वैसे ही देखिए ये फ्रीज हुई आइसक्रीम है। और ये देखिए, इसकी जो रनिंग कंसिस्टेंसी थी वो काफ़ी थिक हो चुकी है अब। और अब यहाँ पे हम अच्छे से काट करके निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको स्पून की हेल्प से काट रही हूँ और काट करके हम निकाल लेंगे, सबको सर्व करेंगे।
तो आप भी अपने घरों में ट्राई करिए हमारी रेसिपी को, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड